फ्रेंड्स वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आज हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आपका एक सवाल आने का संभावना है, अदरवाइज इससे आगे वाला लीनियर इक्वेशन से। तो ध्यान दीजिएगा इस एक्सरसाइज पर। मैक्सिमम क्वेश्चन 9.5 और 9.6 से ही पूछा जाएगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स। देखिए हर जगह पावर क्या है, 1, 1, 1। तो इसको हम लोग कह देंगे कि यह जो है, तो हम लोग इसको सबसे पहले सवाल लिख लिए। और ये होमोजीनियस इसलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि हर जगह पावर क्या है, 1 है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसको फाइंड कर लिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स। और इसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये यू इंटू वी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। यू को छोड़ दिए वी का डिफरेंशिएशन, वी को छोड़ दिए यू का डिफरेंशिएशन, है ना। उसके बाद सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी डी वाई इन इक्वेशन वन में हम लोग ये देख रहे हैं ना, इन इक्वेशन वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, इसका नियम है कि एक्स प्लस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखना है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स के जगह पर एक्स और वाई के जगह पर हम लोग वी एक्स लिखने की बात किए हुए हैं, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस वी अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, वी से वी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना देखते हैं, बचा क्या बचा, इधर से बचा है एक्स डी वी बाई डी एक्स और इधर बचा है 1। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि डी वी बराबर डी एक्स बाई एक्स, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं भी को एक तरफ और एक्स को एक तरफ। यदि इतना हो जाता है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा डी वी और ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। और डी वी को हम लोग लिख सकते हैं भी, डी वी का इंटीग्रेशन भी, और डी एक्स बाई एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट दे देते हैं सी। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं x लॉग x प्लस सी एक्स, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, है ना। तो इसको हम लोग सजा करके लिखेंगे, पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है उसको लिख लिए। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, और डी वाई ये इधर आएगा तो गुना में, और ये इधर जाएगा तो भाग में। तो हम लोग देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिख लिए एक्स प्लस वाई अपोन एक्स माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 मानते हुए। अब यहाँ देखेंगे कि ये है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हर जगह देखिए पावर 1 है। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा पुट करते हैं वाई बराबर क्या, वी एक्स। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग पाते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इन सबों को वाई और डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स है, और यह है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया एक्स का एक्स, वाई के जगह पर वी एक्स, एक्स के जगह पर एक्स, वाई के जगह क्या वी एक्स, है ना, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब क्या हो जाएगा कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन,
वन प्लस भी और यहाँ से एक्स कॉमन वन माइनस भी, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग इस प्लस भी को उधर ले जाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस भी अपॉन वन माइनस भी, ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस भी, है ना। तो इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि एक्स डी भी बाय डी एक्स, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा वन माइनस भी, इसका एलसीएम देखिए वन माइनस भी, और यहाँ कुछ नहीं तो वन दे देंगे तो वन माइनस भी। अब यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस भी माइनस भी इन टू, ये वन से इसको डिवाइड करेंगे तो वन माइनस भी आ जाएगा यहाँ, है ना। ऐसे कर लिए, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो होगा क्या कि एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस भी माइनस भी माइनस भी स्क्वायर, यहाँ प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये वन माइनस भी, भी से भी क्या हो गया कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस भी स्क्वायर अपॉन वन माइनस भी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर ले आते हैं भी को एक तरफ और एक्स को एक्स एक तरफ करने की कोशिश होगा हमारा, तो वन माइनस भी डी भी इधर चला गया, ये गुना में इधर आ जाएगा भाग में, वन प्लस भी स्क्वायर डी एक्स कैंचिया गुना से यहाँ चला जाएगा और ये एक्स इधर गुना में तो इधर भाग हो जाएगा। इससे हम लोग देखें क्या कि भी को भी एक तरफ हो गया और एक्स एक तरफ हो गया, तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा वन माइनस भी अपॉन वन प्लस भी स्क्वायर डी भी बराबर डी एक्स बाय एक्स, ऐसे अब यहाँ इसको हम लोग कर ये सकते हैं कि इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे इसको वन अपॉन वन बाय भी स्क्वायर माइनस ये दोनों तरफ, ये वन में भी डिवाइड होगा भी में भी डिवाइड होगा, तो भी अपॉन वन प्लस भी स्क्वायर और क्या डी भी बराबर क्या डी एक्स बाय एक्स, है ना। इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा डी भी अपॉन वन प्लस भी स्क्वायर माइनस भी डी भी अपॉन वन प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, है ना। चलिए अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करके यहाँ पर रख लेते हैं। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स भी लिखा जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। रही बात इसका, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, तो हम लोग पुट कर देते हैं। पुट क्या करते हैं, पुट वन प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो भी के रिस्पेक्ट में। तब क्या हो जाएगा, ये वन का हो गया जीरो, भी स्क्वायर का टू भी, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी भी, और इस तरह से भी डी भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई टू, डी टी बाई टू। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए, अब इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स भी, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको लाल रंग से लिख करके। और यहाँ पर देखेंगे कि भी डी भी है, तो भी डी भी के जगह पर हम लोग लिखेंगे डी टी बाय टू, डी टी बाय टू, और वन प्लस भी स्क्वायर के जगह लिख देंगे टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स का लिख देंगे लॉग एक्स, और एक कांस्टेंट दे देते हम लोग सी, है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा क्या
कि टेन इनवर्स भी माइनस वन बाय टू ए और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेन इनवर्स भी तो हो जाएगा टेन इनवर्स भी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वाई बाई एक्स लिखते ही हैं, माइनस वन बाई टू लॉग टी के जगह पर हम लोग लिखेंगे वन प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब लिखेंगे ये तो रहेगा ऐसे ही टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस भी का वैल्यू होता है वाई बाय एक्स, भी के जगह क्या लिखते हैं हम लोग वाई बाय एक्स का स्क्वायर है उस पर, तो स्क्वायर इधर भी दे दिए, भी स्क्वायर था ना तो स्क्वायर नीचे ऊपर दे दिए इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस क्या सी। तो हम देखेंगे कि टेन इनवर्स ये हो गया वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू लॉग एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब आगे बढ़ते चलेंगे और ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू, ये लॉग एम बाय एन, लॉग एम बाय एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ऐसा होता है इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाय टू, ये इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाय टू। अब देखिए लॉग का जो नियम है पावर जो रहता है वो गुना में आ जाता है, यहाँ टू लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और लॉग एक्स लेफ्ट में और राइट में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना हमारा, बचा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है लेकिन ईजी है, आप बना सकते हैं इसको, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम लोग पहले सेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में। हम लोग बाएं साइड में डी वाई बाई डी एक्स रखना चाहते हैं तो ये डी वाई इधर आकर डिवाइड हो गया डी एक्स, यहाँ बचा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये गुना में इधर आ गया भाग में। अब हर जगह पावर देख रहे हैं दो दो और इसका वन और इसका वन मिला करके टू, तो ये हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा पुट करते हैं वाई बराबर भी एक्स और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वाई और वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन है क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। हाँ, अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, भी वाई की जगह भी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा अपॉन
टू एक्स, वाई के जगह भी एक्स लिखने की बात है, लिख दिए। अब क्या हो जाएगा कि भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से यदि कुछ कॉमन आने लायक है तो बताइए, अब बताइए आप लोग, माइनस तो पहले से है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस भी स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग इसको और सजा के लिखना चाहें तो भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस तो भी स्क्वायर माइनस वन बाय भी लिख सकते हैं, इसको सजा करके लिख दिए, है ना, माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर, ये प्लस वन था तो माइनस वन हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी स्क्वायर बाय भी माइनस वन बाय भी, तो ये कट गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ क्या हो गया कि भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू भी माइनस वन बाय भी बचा हुआ है, अब ये भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि इधर भी को ले आएंगे तो ये हो जाएगा भी डी भी, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक तरफ भी और एक तरफ एक्स करना है, और इधर हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स, तो भी डी भी बराबर डी एक्स बाय एक्स, हाँ इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा भी डी भी बराबर डी एक्स बाय एक्स। और भी डी भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ इसका हो जाएगा भी स्क्वायर बाय टू, क्या हो जाएगा थोड़ा सा देखिए गौर करके, यहाँ पर हमारा ना टू छूट गया, ये टू भी होगा यहाँ, ये ना एक्स स्क्वायर कटा तो टू छूट गया था, तो टू भी, तब क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाय टू भी, भी स्क्वायर बाय टू भी माइनस भी स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस वन बाय टू भी। तो इसके बाद से हम लोग ना फिर से बनाते हैं, यहाँ तक सही है, इसके बाद से हम लोग थोड़ा फिर से बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, इधर बचा हुआ है चलिए, इधर है भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस वन बाय टू भी, और ये है इसको फिर से लिख लिए तो हो जाएगा एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें भी स्क्वायर माइनस वन बाय टू भी, और ये जो भी प्लस भी इधर था ना लेफ्ट में, इसको माइनस में कर दी तो ये इधर हो गया। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा टू भी, तो भी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ना, हाँ। तो अब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर माइनस वन बाय कितना, टू भी। अब इसको भी को एक साइड और एक्स को एक साइड करने के प्लान हम लोग करेंगे, तो अगला स्टेप में एक्स डी भी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो भी स्क्वायर प्लस वन और टू भी, भी को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा टू भी डी भी, टू भी डी भी ऐसे, और ये गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस डी एक्स इधर चला जाएगा और ये एक्स इधर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग भी एक तरफ कर लिए और एक्स एक तरफ कर लिए। ऐसा करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा टू भी डी भी अपॉन वन प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है भी स्क्वायर का टू भी, तो हम लोग पुट करके बनाएंगे वन प्लस भी स्क्वायर बराबर t
डीटी, और जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो वन का जीरो और भी स्क्वायर का टू भी, और ये हो जाएगा डीटी बाय डीभी। कुल मिलाकर के देखें कि टू भी डीभी बराबर डीटी। तो आइए क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। यहाँ देखिए टू भी डीभी बाय वन प्लस भी स्क्वायर है और माइनस डी एक्स बाय एक्स है, तो टू भी डीभी के लिए हम लोग लिख देंगे डीटी, और वन प्लस भी स्क्वायर के लिए लिख देंगे टी माइनस डी एक्स बाय एक्स। तो डी भी डी टी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग टी बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस, एक हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लिए लॉग सी, तो लॉग टी का वैल्यू हमने लिया था, टी का वैल्यू हम लोग लिए थे वन प्लस भी स्क्वायर, यहीं से देखिए वन प्लस भी स्क्वायर बराबर ये लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं, लॉग सी माइनस लॉग एक्स ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं तो इसको क्या मिलेगा हम लोगों को वो देखते हैं। हम लोग को मिलेगा लॉग वन प्लस भी स्क्वायर, भी स्क्वायर की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ वन प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय, ये हो जाएगा हाँ लॉग एम माइनस एन बराबर लॉग एम बाई एन हो जाएगा, लॉग सी बाय एक्स हो जाएगा, लॉग सी बाय एक्स। तो लॉग लॉग कट गया तो यहाँ बचेगा वन प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स। एलसीएम हम यदि ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स, तो ये कट गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया हम लोगों का। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इसको समझने का कोशिश करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इंटीग्रेशन को पहले पढ़ चुके हैं तो अब यहाँ कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। चलिए ठीक है।